कैसे हो आप सब लोग। तो आज 24 तारीख और दिन है शनिवार, और शनिवार के बज गए हैं अभी 11, और 11 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी कल रात को दक्षु के वहाँ से मैसेज आया कि सारे नर्सरी से UKG तक के बच्चों को राधा रानी बन के और कन्हैया जी बन के आना है। तो भैया कल से मेरा ना, कल मुझे नींद नहीं आ रही, शाम से मुझे बड़ी भारी टेंशन हो गई कि अब क्या हो, क्योंकि क्योंकि दक्षु के जो पहले के जो रखे हुए लहंगे अंगे थे ना, वो सारे छोटे हो गए हैं, क्योंकि दक्षु की हाइट बढ़ती जा रही है ना, इस चक्कर में वो जो पुराने लहंगे थे ना, वो बिल्कुल उसको नहीं आ रहे हैं, सारे टाइट हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं उनको सही किया जा सके तो सारा ख़राब हुआ है। तो मेरा हो रहा दिमाग ख़राब, अब इतने जल्दी में मैं कुछ नया बना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, कल ही मैसेज आया तो मुझे कल ही पता चला। तो फिर कह बताया, दिमाग थोड़ा ख़राब है, और खाना मैंने खा लिया है, बनाया था मैंने दाल चावल रोटी। दक्षु भी आज दाल रोटी लेके गई है, और दक्षु के पापा की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो अभी तेल पिलाने के लिए गए हैं, जो कब से मैंने रख रखा था लेकिन भेजा नहीं था, क्योंकि बारिश वारिश हो रही थी। तो पता है, दिमाग चलाते 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 रात से सोच रही हूँ। तो यार फ्रॉक देख रहे हो, फ्रॉक ये मतलब पुरानी फ्रॉक है, ये जिसको दक्षु ने पहना नहीं है, ये दक्षु की मौसी की फ्रॉक है। तो ये ना ऐसी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ ये ऐसा है इसका लुक, मतलब फ्रॉक ये पहना नहीं है इसने, तो ये ऐसी इसकी ऐसे लेंथ है। तो फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी ये कुछ करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इससे ही इस फ्रॉक को मैं लहंगे में कन्वर्ट करूं, क्योंकि आज ही का टाइम है मेरे पास, आज शाम तक का, क्योंकि सुबह से उसको तैयार करना है। तो फिर इसको ही दिमाग लगा के कुछ बनाती हूं, देखती हूं बना पाती हूं कि नहीं, तो करती हूं स्टार्ट। फिलहाल ये अभी फ्रॉक है, आप देख सकते हैं पूरी लेंथ इसकी अच्छी है, तो ये फ्रॉक है, तो इसको हम लहंगा चोली में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसको ही पहना के कल राधा रानी तैयार करने वाले हैं। तो फिर चलाते हैं दिमाग और करते हैं फटाफट काम, और अपनी टेंशन को थोड़ा ख़त्म करते हैं, और ये पूरा बन जाएगा तभी टेंशन ख़त्म होगी। तो चलें करें स्टार्ट। तो यहाँ करते हैं काम स्टार्ट अपना, और बिल्कुल जब पूरा फाइनल हो जाएगा फिर ही हम यहाँ से उठने वाले हैं, मतलब पूरा लहंगा चोली बना के ही उठने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट।
गया है, 1:30 बज गया है, मतलब मुझे 2 घंटे हो गए हैं अपना कटिंग और ये बनाते बनाते जो जुगाड़ कर रहे थे हम। तो जो फ्रॉक थी हम हमारी, तो उसको हमने लहंगा चोली में कन्वर्ट कर लिया है। तो फाइनल हम आपको दिखाते हैं उसका लुक। तो ये है हमारी चोली, जो ऊपर का फ्रॉक का हिस्सा था उसमें मैंने ये जो जो मेरे पास मटेरियल रखा हुआ था उससे जुगाड़ से लैस लगा के और ये मैंने चोली तैयार कर ली है। और यहाँ पर भी नीचे मैंने लैस लगा दिया है और इसमें ऐसे कोटी के टाइप में यहाँ पे लैस लगा दिया है। और ये हमारी चोली जो हमारी बन गई है। और लहंगा दिखाते हैं हम आपको। ये देखो लहंगा, ऊपर मैंने लैस लगा दिया है इसके और इसमें डोरी डाल दी है और छोटी छोटी लटकन डाल दिया है। और ये फुल फ्लेयर लहंगा फ्रॉक तो थी, तो ऐसा है ना लोग बोर हो जाते हैं जैसे फ्रॉक पहन पहन के। तो मुझे, मैं ना अपनी बहन को दिखाऊंगी ये, क्योंकि ये मेरी बहन की बहन तो अभी ग्रेजुएशन वाली हो गई है और जब वो छोटी थी, तो छोटी थी तब उस तब की फ्रॉक थी उसकी, मतलब इसको ख़रीदा होगा उसने अब जैसे बीए कर रही है अब, और पहले कहाँ होगी 6 साल तक की, तब ये फ्रॉक उसकी मम्मी ने खरीदी होगी, तब से रखी थी। तो मैं गई थी तो नानी ने मेरे से कहा कि लो ये दक्षू को पहनाओगी तो पहना लेना, बिल्कुल अच्छी रखी है। तो मैं ले आई थी तो दक्षू ने पहना नहीं था, तो ये दिमाग लगा के देख रहा, बिल्कुल अच्छी नई वाली लहंगा चोली बन गई है। उसको मैं दिखाऊंगी भी कि जो तुम्हारी फ्रॉक थी ना उसको हमने नया लुक दे दिया है अच्छा खासा। तो ये हमारी राधा रानी पहनेगी। तो यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार दक्षू के लिए कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि राधा रानी बनना है तो कुछ सामान तो लेना ही पड़ेगा। तभी हम आ गए हैं, अभी शाम के बज गए हैं 4:30 बज गया है और शाम का टाइम हो ही गया है। तो जो जो चीज़ समझ में आ रही है वो चीज़ अभी ले चलते हैं। और राधा रानी का लुक आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि कल सुबह ही मैं उसे तैयार करूँगी, बस आज सामान ले के ही जाते हैं। और घर जाके थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा करना है, तो नथनी भी ले ली है, मांग टीका भी ले लिया है, पर छोटी है तो सब कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी समय हो गया है 9 बजने वाला है, 15 मिनट कम है। और हम अभी हमने खाना खाया है क्योंकि हम चले गए थे बाजार दक्षू के राधा रानी का सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास टीका भी लगा। हाँ ये देखो, हाँ ये हमारी राधा रानी तैयार हो गई, इसको थोड़ा करा था, ये सब ऐसे ही हो गया है। तो अभी हमें मेरे पैर में लगाना है अब ये लाल लाल क्या इसे महावर। हाँ तो दक्षू के भैया राधा रानी को लगाना है ये, तो राधा रानी को हम अभी तैयार करने वाले हैं, तैयार नहीं करने वाले हैं क्योंकि सुबह क्या होगा ना बहुत जल्दी टाइम हो जाएगा, 7 बजे इसका गाड़ी आ जाती है तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ पैर हाथों में अभी से लगा दे रही हूँ, क्योंकि और कल टाइम नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल तैयारी करना है। और इसकी बिल्कुल नींद नहीं है इसको, कैसे दच्छो कौन से गाने में डांस करने वाली है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट में मेरे ये पकड़े हैं मैया मैया। तो दक्षू मैया या सोदा वाले में डांस करने वाली है, तो और राधा रानी बन के जाने वाली है। तो अभी इसको क्या कहते हैं महावा लगा देते हैं और इसको सुंदर इसके हाथ पैर बना देते हैं। कल इसको बस हाथ पैरों में नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे इसको तैयार करना पड़ेगा, है ना दक्षू। तो चलो बैठ जाओ, ये मैंने वो रख दिया है, इसमें पैर में नहीं लगेगा, तो बिस्तर में आ जा, नीचे मच्छर काटेंगे ना। हाँ तो ये हाँ नहीं चप्पल तो मैंने लगाने के लिए ये ले लिया है, थोड़ा सा निकाला है फिलहाल, कम पड़ेगा तो और निकाल देंगे ना। अच्छे से साफ कर लिए पैर। अरे यार ये तो फैल भी गया दच्छू, ये देखो तो दच्छू के एक पैर में मैंने लगा दिया है ये डिजाइन देखिए। और क्या हुआ, लाइट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, तो दक्षू के एक पैर में लग गया है और एक दूसरा पैर दिखा, इसमें नहीं लगा है, इसमें मैं अभी लगाऊंगी। तो ये काम संपन्न कर लिया दक्षू के, पैर बहुत सुंदर लग रहा है ना दक्षू, ऐसा लग रहा है माता रानी का पैर है ना दक्षू।
गाना बंद करते बात। दक्षू के लग गया है ना दक्षू, ये देखो हाथों में, और हाथों में तो इसमें तो खराब भी कर दिया क्योंकि पानी डाल दिया, और ये देखो पैरों में बहुत सुंदर लग गया है ना दक्षू। हाँ, और बाहर हो रही है बहुत तेज से बारिश, और अभी फिलहाल सो जाते हैं, सुबह फिर से उठना है। थोड़ी सी हो रही है क्या बारिश, थोड़ी सी हमारा बिस्तर लग गया, आज हम बाहर सो रहे हैं, आज अंदर नहीं सो रहे हैं क्योंकि अंदर ना थोड़ा गर्मी लगती है और लाइट आइट है नहीं, चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है, और बाहर खूब तेजों की बारिश भी आ गई है। फिर आज छोटा सा ब्लॉग है, आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, अभी इसलिए नमस्कार, आधे रहते हैं।